आप लोगों ने स्टार्टअप के बारे में सुना ही होगा, स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आज अब स्टार्टअप के बारे में क्यों आपसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अपना जो वीडियो है वो टी शर्ट और प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ होता है। तो दोस्तों, ये जो स्टार्टअप है इसमें भी बहुत सारे स्कोप है हमारे इस बिज़नेस को आगे लेके जाने के लिए। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा स्टार्टअप के बारे में, और फिर आप स्टार्टअप में जाके ये अपना टी शर्ट का, होलसेल का या प्रिंटिंग का बिजनेस कैसे आप आगे लेके जा सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको टी शर्ट से रिलेटेड या गारमेंट से रिलेटेड, प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस में आपको बनाता हूं और आपको दिखाता हूं। टी शर्ट से रिलेटेड वीडियोस, प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियोस, होलसेल मार्केट के रिलेटेड से वीडियोस में आपको यहां पे बताता हूं, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं नेट पे सर्फिंग कर रहा था, तो उसमें मैंने जस्ट स्टार्टअप इंडिया की मैंने वेबसाइट ओपन की और वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। वहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी कि जो ओवरऑल इंडिया में जो भी स्टार्टअप हुए हैं उनमें सबसे कम जो स्टार्टअप हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड से आए हैं, यानी वहाँ पर ये जो प्रोग्राम्स है वहाँ पर ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टार्टअप में होता क्या है? अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, यूनिक आइडिया मतलब आज तक किसी ने वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अभी तक इस इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी लॉन्च नहीं की है और आप वो करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी है आपके पास, तो आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टार्टअप में रजिस्टर्ड करने के बाद पूरा आप जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे सबमिट करेंगे वो देखने के बाद आपको हो सकता है कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग भी मिले। गवर्नमेंट ने एक संस्था है जिसको वो फंड दिया हुआ है, वो पूरा चेक करके, और अगर आप वो यूनिक, आपका आइडिया वो यूनिक है तो आपको वहाँ पे फंडिंग मिलती है। तो दोस्तों, स्टार्टअप में जाने से फ़ायदा क्या होता है? स्टार्टअप में जाने से दोस्तों फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसमें फंडिंग मिलती है। पर दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि वहाँ पे फंडिंग मिलती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या क्यों? क्योंकि आपका वो आइडिया वैसा यूनिक होना चाहिए कि वो जो भी प्रमोटर हैं उनको वो ऐसा लगे कि यूनिक है और ये बिज़नेस आगे चल सकता है। तो इसमें ये बेनिफिट आप साइड में लेके ही चलिए। दूसरे इसमें जो बेनिफिट होते हैं वो सभी के लिए होते हैं। जैसे इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर आप कोई ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और जैसे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर, हम अपना टी शर्ट का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो जो ये ब्रांड होता है उसमें जो खर्चा हमें करना पड़ता है, जो रजिस्टर करने के लिए जो भी एक 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये हमें खर्चा करना पड़ता है, वो अगर आप ये स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको वो जो फ़ी है वो हाफ़ हो जाती है। टैक्स में आपको छूट मिलती है, ऐसे बहुत सारे इसमें छूट मिलती है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर न्यू हैं और अगर आपका बिज़नेस 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप अपना जो बिज़नेस है उसे स्टार्टअप में रजिस्टर्ड कराइए। रजिस्टर्ड करने के बाद ये सब बेनिफिट ले सकते हैं। अभी तक दोस्तों जो मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं ये प्रिंटिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने के बाद, तो मुझे ज़्यादा करके नॉर्थ ईस्ट साइड से ज़्यादा आ रहे हैं। वहाँ से अगरतला, आसाम और मणिपुर, मिज़ोरम, वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, मैंने बहुत लोगों से बात की, उन्होंने मेरे से लंबे लंबे चैट किए, बताते हैं कि वहाँ पे जो प्रिंटिंग बिजनेस है वो अभी तक पूरा वाइडली ओपन हुआ नहीं है। तो क्या होता है, ज़्यादा करके जो भी ट्रेडर्स हैं वो कोलकाता होते हुए माल आसाम, आसाम होते हुए पूरा नॉर्थ ईस्ट में जाता है। कस्टम जो प्रिंटिंग है, जो जिसे हम कहते हैं, वो अभी तक वहाँ पे ज़्यादा उसकी डिमांड बहुत है, बट अभी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है। तो जो भी ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप ये बिज़नेस, प्रिंटिंग का बिज़नेस अगर आप सेटअप अपना करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जो भी आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग करना चाहते हैं, आप स्क्रीन प्रिंट करना चाहते हैं, आप विनाइल प्रिंट करना चाहते हैं, आपको पूरी मदद की जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन दे के आपको वहाँ पर सेटअप करके दिया जाएगा।
ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की बात। अगर ओवरऑल इंडिया में कहीं भी किसी को भी अगर ये स्क्रीन प्रिंटिंग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर किसी को भी चाहिए या आप अपने घर पे ही ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा दोस्तों। आपको इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको बताया जाएगा किस तरह कितने मार्जिन पे आपको इसे सेल करना है। हम बेसिकली दोस्तों स्क्रीन प्रिंट की जो मशीन्स होती हैं सिंगल स्टेशन, टू स्टेशन, फोर स्टेशन, ये हम सारी मशीनें आपको अवेलेबल कराते हैं। अगर आप अपने तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में ये मशीन की एजेंसी लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरी बहुत लोगों से चैटिंग होती रहती है, बहुत हमारे जो मित्र हैं मुझे फ़ोन करके कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ बातें शेयर की जाती हैं। उसमें मुझे ये चीज़ पता चली है कि जो कस्टम प्रिंटिंग है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इस समय आ रही है। तो कस्टम प्रिंटिंग और कॉटन फैब्रिक, ये जो कॉटन फैब्रिक है इस पर सबसे अच्छा प्रिंट है दोस्तों, स्क्रीन प्रिंट माना जाता है। तो स्क्रीन प्रिंट का जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों, अगर आप एक टी शर्ट पे, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये भी एक स्क्रीन प्रिंट किया हुआ है, ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, तो इस पे जो प्रिंट किया हुआ है इस पे खर्चा आप, मैं अगर बताना चाहूँगा तो ज़्यादा नहीं, 3 से 4 रुपये खर्चा आता है इसमें। बाकी जो इसमें लेना होता है जो, वो तो हर स्टेट के ऊपर होता है कि आप पर प्रिंट का क्या चार्ज कर रहे हैं। फिर भी अगर मैं आपको सरासरी अगर मैं बताऊँ तो इसमें जितनी भी प्रिंटिंग्स हैं उसमें सबसे सस्ता प्रिंटिंग वो स्क्रीन प्रिंट होता है। स्क्रीन प्रिंट सिर्फ और सिर्फ अपने हार्डवर्क के लिए जाना जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, यानी आपको इसमें फ्रेम बनानी पड़ती है, कोटिंग बनाई रहती है, कोटिंग को निकालना पड़ता है, फिर इसको सेट करना पड़ता है, पैलेट पर रख के फिर आपको इसमें प्रिंट करना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें से हार्डवर्क आता है बट प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर कोई बल्क में अगर ऑर्डर आता है आपको तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।